उमरिया जिले के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर की मौत से हड़कंप मच गया। भारी तादाद में वन अमला घटना स्थल पर पहुंचा। ग्रामीणों की भैंस को टाइगर ने अपना शिकार बना डाला। आक्रोशित ग्रामीणों ने मरे भैंस पर जहर डाल दी, जिसे खाकर टाइगर की मौत हो गई। मामला रामगढ़ रेंज स्थित तलगवां खुर्द का है, जहां कोरिया स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर में बाघ की मौत के बाद पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ देर शाम रामगढ़ पहुंचे। वाइल्ड लाइफ सीसीएफ के मेचियों के साथ पार्क संचालक रामकृष्णन, छह पशु चिकित्सकों की टीम ने बाघ का शव पोस्टमार्टम किया और उसका अंतिम संस्कार किया, जहां बाघ की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में काफी नाराजगी देखी जा रही है। R9 भारत संभाग हेड अजीम अंसारी की रिपोर्ट। क्या संबंध में जानकारी है? बहुत दुखी की बात है। कल रात को सूचना मिला था वन विभाग को कि रामगढ़ परिक्षेत्र में एक बाघ का डेथ हुआ है। हम लोग कल रात को लोकेट कर पाया और आज आके उसका पोस्टमार्टम किया है। लगातार 10-15 साल प्रयास करके अभी कुछ बाघ देखने लगा और उसी के साथ ये दुर्घटना हुआ। बहुत रिग्रेटेबल है, लेकिन अपना प्रयास रहेंगे कि गाँव वालों से जुड़ के संरक्षण अच्छा से जंगल का भी और वन्य प्राणी का भी संरक्षण करें। सर, आगे अभी किस टाइप की कार्रवाई की जा रही है? अभी जो पूछताछ है और इन्वेस्टिगेशन है पहले दिन में है, इसलिए उसमें ज़्यादा बोलने का स्थिति में नहीं है, लेकिन अपना रेंज ऑफिसर और एसडीओ अच्छा जांच किया जा रहा है। आज समीक्षा किया गया है और जल्दी से जल्दी उसका जो फाइंडिंग्स है, परिणाम है, वो सामने आना चाहिए। 7 से 8 साल का मेल टाइगर है। यहाँ पे सस्पेक्टेड पॉइजनिंग केस माना जा रहा है इसको। इसको फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रायपुर जब भेजेंगे सभी सैंपल्स को, तो वहाँ से निर्धारण होगा। तो पास में ही एक भैंसा का किल हुआ है, तो उसके मालिक वगैरह से पूछताछ चल रही। ये कब की घटना है सर? हमें खबर कल की मिली है, बट ये मर के अभी 24 आवर्स हो गया होगा। और इस पर अभी जाँच वगैरह सर? हाँ, वही मतलब जिसका भैंसा है उनको उनसे पूछताछ की जा रही है जी। तो उसका कुछ भी प्रोग्रेस आएगा तो कल आपको पता।